आज गुप्ता जी ने जो ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करी है, गुप्ता जी ने, उनकी पत्नी ने और उनके बेटे ने, एक ही दिन में अंतर्राष्ट्रीय और इंडिया के स्तर पर पहले उपलब्धि हासिल करी है। पूरा परिवार अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये LIC के इतिहास में, और मैं इनको शुभकामना देता हूँ। छठवीं बार उनकी मैडम ने, फिफ्थ टाइम, एंड उनके बेटे ने थर्ड टाइम जो LIC में MDRT मिलियन डॉलर लाइव राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का अचीव किया है, ये एक तमगा है। जैसे कि क्रिकेट में जो उनको मेडल वर्ल्ड कप अचीव किया था, उसी तरीके से इसको LIC में मान लीजिए। तो ये हमारे LIC के पिलर हैं, गुप्ता एंड फैमिली हमारी ब्रांच के भी पिलर हैं, और इनको इस अचीवमेंट के लिए बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। MDRT एक विश्व स्तरीय LIC का नहीं, पूरे विश्व भर में जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां कार्य करती हैं उसमें प्रतिवर्ष कुछ एक एजेंट MDRT क्वालिफाई करती है। इसकी फुल फॉर्म है मिलियन डॉलर राउंड टेबल। इसको करने का जो क्वालिफाइंग कंडीशन होती है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होती हैं। इसमें अब जैसे भारतवर्ष में LIC के अंदर करीब 1000 से 1500 लोग क्वालिफाई करती हैं। इसकी मीट एवरी ईयर कनाडा या US होती है नेक्स्ट ईयर जून में। जैसे हम लोग 2020 में क्वालिफाई कर रहे हैं, 21 में हमारी मीट होगी। इसको करने वाले गिनती के लोग होते हैं, लेकिन मैंने 31 जनवरी 2020 को मैं और मेरी धर्मपत्नी संगीता गुप्ता और मेरे सुपुत्र आयुष गुप्ता ने एक ही दिन में ये कीर्तिमान मनाया है। ये 1956 जब से LIC का जन्म हुआ है तब से आज तक ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ब्लड रिलेशन परिवार ने एक ही दिन में 3 लोगों ने MDRT किया हो। और जो एजेंट हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मेरा संदेश ये है कि अगर कोई चीज़ अगर ठान लो, मैं बेसिकली मैं 26 दिन 26 संडे काम करता हूँ LIC का, लेकिन कोई चीज़ अगर ठान ले तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। अभी मेरे पास करने के लिए 11 महीने थे, लेकिन चूंकि मुझे करना 31 जनवरी को ही था तो मैंने सोच लिया कि मुझे करना है तो करना है। मैंने उस दिन LIC में नया प्रीमियम रेगुलर प्रीमियम करीब 2 करोड़ रुपये जमा कराया। ये भी अपने आप में एक उपलब्धि है कि एक ही दिन में किसी एजेंट परिवार ने 2 करोड़ रुपये जमा कराया हो। तो मेरा भी अपने साथी अभिकर्ताओं से ये एक संदेश है और एक वो है मैसेज है कि अगर वो चाहें तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं, बस आपने कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस, उसको बेटर प्लान और क्या उसके वो है नीड है उसके हिसाब से काम करिए। काम कोई भी मुश्किल नहीं है।